आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो की प्रेस करनी है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लॉगिन विंडो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं जाना है कि डाउनलोड कैसे करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को, तो आप हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कंप्लीट डाउनलोड करने के बारे में बताया है। यदि आपने यहां पर पहले से आईडी बना रखी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आईडी यहां पर साइनअप पर जाकर ईमेल आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री डालकर अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बैक टू लॉगिन पर चलते हैं एंड यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करते हैं कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है या फिर एंटर क्लिक करना है। उसके बाद हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की होम विंडो पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर का होम विंडो आ चुका है। यहाँ पर आप टॉप साइड में देख रहे होंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पर हमारे टॉप मेन्यू बार में है फाइल, एडिट, ऑप्शंस, व्यू, टूल, एक्सटेंशन, ये सभी ऑप्शंस है। फाइल के अंदर क्या होता है कि आप कोई न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, कोई नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, रिसेंट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने आप को यहाँ से लॉग आउट और लॉग इन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एडिट का ऑप्शन। एडिट के ऑप्शन में आप अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अंडू और रिडू भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में हम अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, एल्गोरिथम की सेटिंग कर सकते हैं, यूजर प्रोफाइल की सेटिंग को भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्यू का ऑप्शन। व्यू का ऑप्शन में जूम, टूल बार, सो व्यू पोर्ट, ये सभी होते हैं जूम में। इसमें आप फिजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू और रियल टाइम व्यू भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है रियल टाइम व्यू और सिमुलेशन व्यू का। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड के बॉटम में, तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैं अभी हम नेक्स्ट चलते हैं टूल पर। टूल के अंदर आपको यहाँ पर आप अपनी ड्राइंग पैटर्न्स डाल सकते हैं, कस्टम ड्राइंग भी कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं एक्सटेंशन पर। एक्सटेंशन पर आप अपनी एक्टिविटी विजार्ड देख सकते हैं। आप मल्टी यूजर के बारे में और भी ऑप्शंस हैं, इसके बारे में भी देख सकते हैं। और स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग, रिसोर्सेज, एट्रीब्यूट्स, ये सभी हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आता है हेल्प। हेल्प में आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं अबाउट में जाकर। इसके बाद में आता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इससे आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, या फिर यदि आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है तो डिसलेक्ट करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये सभी ऑप्शंस हमारे फाइल मेन्यू बार वाले ही हैं। हमें इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि कोई न्यू फाइल ओपन करना, इसका मतलब। एंड यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है, इसका मतलब है किसी न्यू फाइल को ओपन करना। जो थर्ड ऑप्शन है, इसका मतलब है किसी फाइल को सेव करना। जो फोर्थ ऑप्शन है, उसका मतलब है किसी अपनी फाइल को प्रिंट करना। और फिफ्थ ऑप्शन में आप अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और जो उसके बाद वाला ऑप्शन है, इसके बारे में हम यूजर प्रोफाइल के बारे में और जान सकते हैं। इन सब के बारे में जब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में वर्क करेंगे तो एक एक के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, वो हम आगे के वीडियोज में बात करेंगे। और इसके बाद हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू, रिडू, वो सभी यहाँ पर है। तो मेनली यहाँ पर जो आपके फाइल, एडिट और ऑप्शन, व्यू, टूल, एक्सटेंशन में जो ऑप्शंस थे, उनका एक शॉर्ट व्यू दिया गया है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस ऑप्शंस की। इस ऑप्शंस का काम होता है डिलीट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर चलता है, मैं एक पीसी को सेलेक्ट करता हूँ और इस पीसी को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आप इस ऑप्शंस का हेल्प लेंगे। तो इस ऑप्शंस का हेल्प लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक साइन आ चुका है। इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पीसी डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लेबल देना, जैसे कि मेरा यहाँ पर ए है वर्किंग एरिया। तो इस प्रकार आप भी अपनी सिस्को पैकेट ट्रेसर की वर्किंग एरिया पर अपना लेबल दे सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये पीसी है, इस पीसी की आईपी होगी 192.168.1.1। तो ये मेरी एक पीसी की आईपी हो गई, तो मैंने इसको एक लेबल दे दिया। तो इस लेबल की हेल्प से हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर ये ऑप्शंस।
इस ऑप्शंस की हेल्प से हम अपनी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टनल बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, मैं यहाँ पर पैटर्न क्रिएट कर सकता हूँ। यदि मुझे कलर फिल करना है तो यहाँ से आप दूसरे कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कलर में जाकर जैसे कि मैं यहाँ पर एक कलर लेता हूँ, देन ओके पर क्लिक करता हूँ एंड ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैं एक टनल क्रिएट कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। तो मैं अभी इन सबको डिलीट करने वाला हूँ। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की हेल्प से हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड देन डिलीट एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ आपका टाइमिंग चलता रहता है इस टाइप। राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रूट आता है, यहाँ पर कुछ आप क्लस्टर न्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका एनवायरमेंटल टाइम चलता है। इसके बाद में यहाँ पर लॉजिकल व्यू एंड फिजिकल व्यू आता है। फिजिकल व्यू में आप जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि अपना होम स्टेशन बनाना हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग है उन सब का सिमुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। लॉजिकल व्यू में हम चलते हैं वापस से, और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दो हैं, तो आपका कर्सर जैसे जैसे मूव करता है तो इनका यहाँ पर नंबर भी यह चेंज होता रहता है, कुछ इस टाइप से आप देख रहे होंगे। तो ये उनका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की डायरेक्शन है। इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया में, हमारे जो सबसे आप नीचे की साइड देख रहे होंगे फुटर बार में, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में आपके आते हैं राउटर्स, स्विच, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी एंड वैन एमुलेशन। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के राउटर देख सकते हैं, जैसे कि 2811 है, 1841 है, 4311 है, 4321 है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के राउटर्स होते हैं। यहाँ पर आप स्विच के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर 2960 पीटी स्विचेस, पीटी इम्पर्टी स्विचेस, ये सभी स्विचेस के टाइप हैं। इन सब का आप यूज़ भी कर सकते हो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, अब हम बात करते हैं हब की। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हब हैं, पीटी हब, कोएक्सल स्प्लिटर, ये सभी हब के टाइप हैं। यहाँ पर वायरलेस डिवाइस हैं, जैसे कि यहाँ पर सेल टावर है, वो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए हमारे पास 5505 है और 5506 है, कुछ इस टाइप से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इसके बाद आता है वैन इमोलेशन। यहाँ पर पीटी क्लाउड है, पीटी इम्पटी है और डीएसएल मॉडेम है एंड केबल मॉडेम है, कुछ इस टाइप से। इन सब का आप अपने यूज़ के अनुसार इन सब का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने एंड डिवाइसेस पर। एंड डिवाइसेस में हमारे पीसी, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर्स, ये सभी आ जाते हैं हमारे एंड डिवाइसेस में। मोबाइल फ़ोन, ये सभी एंड डिवाइसेस में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप पीसी, लैपटॉप, सर्वर और भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है। इन सब के बारे में आगे हम जानने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि होम अप्लाइसेंस है, जैसे कि यहाँ पर फैन है, कुछ इस टाइप से सिस्को पैकेट ट्रेसर में है। इसके बाद आता है स्मार्ट सिटी का ऑप्शन। स्मार्ट सिटी के ऑप्शंस में आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे विंडो डिटेक्टर है, वो भी यहाँ पर है। इसके बाद इंडस्ट्रियल में चलते हैं। इंडस्ट्रियल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैटरी का साइन है, वो और भी बहुत सारे साइन है, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद आता है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में और भी ये सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस को आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, तभी आपको पता लगने वाला है। हम एक वीडियोज़ में इन सभी ऑप्शंस को कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में जाइए और इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानिए। इसके बाद में चलते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में हमारे पास यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं, बोर्ड, सेंसर्स। इसके बाद आते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। जैसे कि हमारे को पीसी टू पीसी कनेक्शन करना है या फिर पीसी टू सर्वर कनेक्शन करना है, तो उनके लिए हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं या फिर केबल्स का यूज करते हैं। ये सभी अलग अलग टाइप की केबल होती हैं। इन सभी केबल का आपको नाम कैसे पता लगेगा, तो उनके लिए आप जैसे ही यहाँ पर किसी केबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देखना कि यहाँ पर अलग अलग नाम चेंज होते रहते हैं, कुछ इस टाइप से। ये इस केबल हैं जो आप यहाँ पर लाइट का मार्क देख रहे होंगे, ये है यूनिवर्सल केबल। इसे हम किसी भी पीसी को या फिर सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किसी सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो आपको क्रॉस सर्वर केबल का यूज़ करना होगा। यदि आपको डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो आपको स्ट्रेट थ्रूआउट केबल का यूज़ करना होगा। यहाँ पर ये है स्ट्रेट थ्रूआउट केबल। जैसे कि मेरे को यहाँ पर किसी पीसी को किसी राउटर के साथ कनेक्ट करना है, तो राउटर हमारे दो डिफरेंट डिवाइसेस हो गए, तो हम इसके लिए स्ट्रेट थ्रूआउट केबल का यूज करेंगे। स्ट्रेट थ्रूआउट केबल कहाँ पर है, यहाँ पर ये है स्ट्रेट थ्रूआउट केबल, कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पर हम चलेंगे इस पर एंड यहाँ पर हम गीगाबाइट सेलेक्ट कर लेंगे
और इस पर फास्ट इथरनेट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट थ्रू आउट केबल का यूज करते हैं। इसके बाद वाले ऑप्शन है हमारे माइसलिनियस, जिसके अंदर कुछ पीसीज हैं और कुछ राउटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर अब हम चलते हैं मोर मल्टी, इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं मल्टी यूजर कनेक्शंस पर। यहाँ पर आप मल्टी यूजर कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पीयर टू पीयर कनेक्शन है, वो भी एक मल्टी यूजर कनेक्शन है, वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है सिमुलेशन का। सिमुलेशन में आप देख सकते हैं कि आपके मैसेज किस टाइप से पास हो रहे हैं। मैं आपको एक सिमुलेशन करके दिखाता है। जैसे कि मेरे पास एक पीसी यहाँ पर है और दूसरा पीसी यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं इन दो पीसी को एक सर्वर के साथ कनेक्ट करता हूँ। सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल केबल ले रहा हूँ, कुछ इस टाइप से यहाँ पर कनेक्ट किया एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर कनेक्ट किया। अब मेरे को यहाँ पर दो मैसेज पास करने हैं, तो यहाँ पर हमारे ये रहे मैसेज। मैसेज को यहाँ पर पहले मैं केबल सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस टाइप से, नो अवेलेबल पोर्ट, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे को एक ही पीसी की ज़रूरत है, वैसे हमारे को दो पीसी की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस दूसरे पीसी को एज इट इज यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट इट। एंड यहाँ पर मैं एक मैसेज को पीसी से लेकर सर्वर तक पास करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा मैसेज, और इस मैसेज को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पास करता हूँ। देन अब हम बात करते हैं हमारे राइट साइड में कुछ और भी दी हुई है, रियल टाइम सिमुलेशन, तो ये सभी है। तो इस पर आप अपने रियल टाइम में मैसेज कैसे पास हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सर्वर से राउटर से, तो सर्वर से तो आपके पीसी से सर्वर में या फिर राउटर्स में कैसे मैसेज जाते हैं वो आप सिमुलेशन में देख सकते हैं, कि एक पीसी से दूसरे पीसी में मैसेज कैसे जा रहे हैं, तो वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियल टाइम में आपके रियल टाइम में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था एक सिस्को पैकेट ट्रेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।